नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और नई जानकारी एक और नई अपडेट। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है ग्रुप 5 वैकेंसी से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ग्रुप 5 का रिजल्ट आ चुका है और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी और संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में भी ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 21/5/2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं का, वो डिस्ट्रिक्ट में होना है या डिवीज़न में होना है, जिला में होना है या संभाग में होना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में डिटेल से हम देखने वाले हैं कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कैसे होगा और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधे उसी पॉइंट पर देख लेते हैं जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हम देख लेते हैं। उपरोक्त आवंटन अनुसार मेरिट में आए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में दर्शित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख दर्शाए गए क्षेत्रीय संचालक कार्यालयों में मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक नोटराइज्ड शपथ पत्रों के साथ तत्काल उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्षेत्रीय संचालक कार्यालयों में बुलाया गया है, जो कि हमारे क्षेत्रीय संचालक कार्यालय होते हैं वो संभाग में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपने ज़िले का या संभाग का क्षेत्रीय संचालक कार्यालय नहीं पता है तो आप जैसे ही अपने ज़िले के साथ क्षेत्रीय संचालक कार्यालय सर्च करेंगे तो आपके लिए आपके ज़िले या संभाग में जो भी क्षेत्रीय संचालक कार्यालय है उसका फुल डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको उसका पिन कोड और हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। तो इसी के माध्यम से आप अपने क्षेत्रीय संचालक कार्यालय को पता कर सकते हैं और बाकी आप अपने सीनियर से भी बात करके पूछ सकते हैं कि जो भी आपके लैब टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर है जो पहले ग्रुप 5 वैकेंसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। 2017 में ये भर्ती आई हुई थी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है 21/5/2021 का है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, इसी नोटिफिकेशन की डेट से। इसके 7 दिन मतलब फ्रेंड्स, आप 28 तारीख तक किसी भी हालत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेट होंगे तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा यहाँ पर और आपको जॉब नहीं मिलेगी। अच्छे मार्क्स होते हुए भी आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप समय का विशेष ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एडवोकेट से एक एफिडेविट ज़रूर बनवा के ले जाइएगा, हो सकता है आपका वो काम में आ जाए। क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो एफिडेविट लगा के आप काम चला सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ग्रुप 5 वैकेंसी से संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।